मध्य प्रदेश के हातोद में अजनोद ग्राम पाल काकरिया में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दर्जनों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। भक्ति गीतों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागवत कथा में पंडित जितेंद्र पाठक भागवत आचार्य पाल काकरिया वाले ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भगवत प्रेमियों के बीच सत्संग जरूरी है। आचार्य ने कहा कि भागवत कथा की कथाएं अनंत है, जिसके सुनने के लिए हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इस मौके पर आसपास के गांव के तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर आसपास के गाँव के अजनोद, जिंदाखेड़ा, बसांदरा, बालोदा के तमाम लोग मौजूद रहे। हाथों से पंडित आचार्य जी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।